दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। मोदी जी के एक बड़ी उपलब्धि के साथ आईएनसी टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वो उपलब्धि किसानों के कल्याण को लेकर है। सत्ता में आने के साथ माननीय मोदी जी ने किसानों को अन्नदाता कहकर सम्मानित किया था और उनसे वादा किया था कि वो जल्द ही उनकी आय को दोगुना कर देंगे। माननीय मोदी जी इस दिशा में तगड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का पुख्ता सबूत है ये पर्ची। पर्ची एक प्याज किसान की है और पर्ची बता रही है कि उस किसान को 300 किलो प्याज की कीमत मिली है 2 रुपए। जी हां, 300 किलो प्याज के बदले 2 रुपए। जोर से मोदी जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने उस किसान को 2 रुपए की कमाई करा दी। आवाज बुलंद होनी चाहिए, नहीं तो मोदी जी नाराज होकर 2 रुपए प्लस को माइनस में भी ले जा सकते हैं। चलिए अब किसान पर मोदी जी की कृपा को थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। किसान उस मध्य प्रदेश राज्य का वासी है जहां डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी के अधीन बीजेपी की सरकार, तो राज्य में शिवराज जी के अधीन बीजेपी की सरकार। इस लिहाज से डबल इंजन की सरकार में किसान पर 2 रुपए की डबल कृपा हुई है। उसमें शिवराज मामा का भी आधा हिस्सा बनता है 1 रुपए का। 300 किलो प्याज के बदले अन्नदाता को 1 रुपया मोदी जी की तरफ से और 1 रुपया शिवराज जी की तरफ से। जय हो डबल इंजन सरकार की। प्याज पर बीजेपी राज में डबल कृपा प्राप्त करने वाले किसान का नाम जयराम है और वो देवास जिले के भूदानी गांव का निवासी है। भूदानी गांव के जयराम की प्याज की फसल तैयार हुई तो वहां के लोकल मंडी में रेट सही नहीं मिल रहा था। किसी ने बता दिया कि साजापुर की मंडी बड़ी है, वहां अच्छा रेट मिल जाएगा। वो किसान अच्छे रेट की उम्मीद में प्याज को लेकर पहुंच गया शाजापुर मंडी। वहां उसे 300 किलो प्याज की कुल कीमत मिली 330 रुपया। साथ ही प्याज धुलाई और तुलाई का 328 रुपए का बिल, शुद्ध कमाई 2 रुपए। मध्य प्रदेश के प्याज किसानों की ये कोई नई कहानी नहीं है। शिवराज मामा की सरकार में अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं। कई बार आलू प्याज टमाटर पैदा करने वाले किसान कम कीमत की वजह से अपनी फसल को खेत में ही छोड़ देते हैं या फिर सड़क पर लाकर नष्ट कर देते हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार पर कोई फर्क नहीं दिखता है। कुछ दिनों पहले धार जिले के एक किसान ने फसल की कम कीमत को लेकर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल से गुहार लगाई थी, तो पता है मंत्री साहब का क्या जवाब था? मंत्री साहब का जवाब था कि ऐसी फसल क्यों उगाते हो जिसकी रेट कम मिलती है। युवराज सरकार के कृषि मंत्री के इस जवाब को सुनकर मुझे फ्रांस की क्रांति याद आ रही है। फ्रांस की क्रांति के समय रोटी की मांग करते हुए जब प्रदर्शनकारी राजा की महल के सामने गुस्से गुजरे तो फ्रांस की रानी मेरी ने कहा था कि अगर इन्हें रोटी नहीं मिल रही है तो फिर ये केक क्यों नहीं खा लेते। रानी की इस नसीहत के बाद फ्रांस में जो कुछ हुआ वो उसका स्वर्णिम इतिहास है। और इसीलिए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा है कि उनको पूरा यकीन है कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। सुनिए, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है।